हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का। इसके पहले मैंने अपने चैनल पे स्मोकी फ्लेवर्ड वाली दाल तड़का की रेसिपी पोस्ट की थी, तो उसे आप लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज इस दाल तड़का की रेसिपी को शुरू करते हैं। दाल तड़का बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप तुअर की दाल, इसे हम अरहर की दाल भी कहते हैं। चने का दाल मैंने लिया है 1/2 कप, आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 हरी मिर्च कटी हुई, 1 बड़ा प्याज कटा हुआ, 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता लिया है मैंने। तड़के के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच घी, थोड़ा सा यानी 1/4 छोटा चम्मच हींग, 10 से 12 लहसुन कटा हुआ, 2 सूखे लाल मिर्च, तड़के वाली लाल मिर्च यूज़ करें। तेल हमें चाहिए 4 बड़े चम्मच। मसालों में हम लेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 से 3 लवंग और थोड़ा सा दालचीनी लिया है मैंने। हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ किया है। धनिया पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1/3 छोटा चम्मच और नमक हम लेंगे स्वाद के अनुसार। तो सबसे पहले हम इन दोनों दाल को वॉश कर लेंगे, तो इन दोनों को मिला के एक बोल में डाल दें और इसे हम पानी से अच्छी तरह धो लेंगे। इसके बाद हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, उसमें ये दाल को डाल देंगे। आप चाहे तो दाल को 15-20 मिनट भिगो दें, मैं यहाँ पे भिगो नहीं रही हूँ, बस डायरेक्ट इसे वॉश करके इस प्रेशर कुकर में डाल दिया मैंने। इसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे, तो मैं यहाँ पे ये मेजरिंग कप से 2 कप पानी यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो 2.5 कप पानी यूज़ करें। पानी डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे, तो मैं यहाँ पे नमक स्वाद के अनुसार यहीं पे डाल दे रही हूँ, बाद में नहीं ऐड करूँगी। और इसके बाद हल्दी पाउडर, तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर यहाँ डाल दें, थोड़ा बाद में यूज़ करेंगे। 1 छोटा चम्मच तेल डाल दें, तेल डालने से दाल जो है वो बाहर की तरफ कुकर के ढक्कन से निकलेगा नहीं। अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और चलते हैं गैस की तरफ। आप चाहे तो दाल को बिना हल्दी नमक के भी उबाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेशर कुकर रख दिया मैंने, गैस को ऑन कर दें और मीडियम फ्लेम पर हम इस दाल को 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे। ध्यान रहे हमने इसमें चने का दाल यूज़ किया है, जिसे पकने में समय लगता है। अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो हाई फ्लेम पे 7 से 8 सीटी लगाएं। तो 5वीं सीटी लग गई, गैस को बंद किया मैंने और इसे हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे। जैसे ही प्रेशर कुकर का टेम्परेचर सेटल हो जाए, इसे सावधानी से खोलें और हम इसे एक बार मिक्स कर देंगे। तो दाल जो है वो बहुत ही गाढ़ा है, आप देख सकते हैं। अगर आपको दाल को थोड़ा सा पतला करना है तो इसमें हल्का सा गुनगुना पानी डाल दें और इसके बाद इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इस दाल को मैंने अलग कर दिया और गैस स्टोव पर हम एक पैन रखेंगे, गैस ऑन किया मैंने। पैन को हम अच्छी तरह गर्म हो जाने देंगे, इसके बाद हम इसमें तेल डालेंगे। हमें दाल को फ्राई कर लेना है, तेल की जगह आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हम इसमें ये लवंग और दालचीनी डाल देंगे, आप चाहे तो तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम इसमें जीरा डाल देंगे, जीरा को हम मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा पका लेंगे। इसके बाद ये प्याज डाल दें, प्याज को मैंने बहुत ही बारीक काटा है, मिला दें इसे। हम इस प्याज को 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे पकने देंगे, गैस का फ्लेम मीडियम रखा है मैंने। 2-3 मिनट बाद हम देखेंगे कि प्याज जो है वो हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ये कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे, मैंने यहाँ पे 1 ही हरी मिर्च यूज़ की है। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, अगर आप अदरक लहसुन ग्रेट करके यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा। मिला दें इन दोनों को और इसे हम 1/2 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो ऐसे चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चा स्मेल है वो निकल जाएगा। इसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे, तो यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दें, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, धनिया पाउडर ज़्यादा यूज़ करें, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। दाल को उबालते वक्त मैंने नमक का यूज़ किया था, इसलिए नमक यहाँ पर नहीं ऐड करूँगी। मिला दें मसालों को, मसालों को हम 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो ऐसे चलाते हुए थोड़ा सा पकने देंगे, जैसे ही मसाले हल्के से भुन जाएंगे हम इसमें ये कटे हुए टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर को भी बारीक काटें, मिला दें इसे। टमाटर को हमें अच्छी तरह पका लेना है, तो टमाटर को गलाने के लिए हम क्या करेंगे, पैन को कवर कर देंगे और कवर करके हम इसे 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। तो इसे ढक दें और इसे पकने दें। 5-6 मिनट बाद हम देखेंगे कि टमाटर जो है वो अच्छी तरह भुन गया है, ये देखिए गल गया है, लेकिन मेरे कैमरे पे थोड़ा सा इसका छींटा आ रहा है तेल का, तो मैं इसलिए इसे कवर कर रही हूँ ताकि इसकी लेंस ना ख़राब हो।
तो यहाँ पे प्याज टमाटर और मसालों का मैंने एक मसाला पेस्ट बना लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देंगे, बाकी का धनिया पत्ता हम बाद में यूज़ करेंगे। मिला दे धनिया पत्ता को, गैस का फ्लेम कम कर दे ताकि धनिया पत्ता जो है वो जले नहीं। और इस धनिया पत्ता का फ्लेवर दाल में लाने के लिए हम इसे ढक के 1 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ऐसे पैन को कवर कर दें और 1 मिनट के लिए छोड़ दें इसे। 1 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएं, इसे एक बार मिक्स करें। तो ये हमारा मसाला पेस्ट तैयार हो गया है। देखिए मसालों से तेल अलग हो रहा है, मतलब मसाला एकदम परफेक्टली भुना हुआ है। तब हम यहाँ पे उबला हुआ दाल डाल देंगे जो हमने पहले से उबाल के रखा है। तो यहाँ पे दाल डाल दिया मैंने, मिला दें इसे अच्छे से। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा है। अगर आपको दाल बहुत ज़्यादा गाढ़ी लगे तो आप इसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी मिला के इसकी कंसिस्टेंसी पतली कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा दाल आपको पसंद है। लेकिन दाल तड़का या दाल फ्राई जो है वो थोड़ा सा थिक होता है। तो मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे कवर करके हम 1 मिनट तक पकाएंगे, या फिर दाल में जब तक कि उबाल ना आना शुरू हो जाए। जैसे ही दाल में उबाल आना शुरू हो जाएगा, ये देखिए आप देख सकते हैं, इसे एक बार मिला दें। तो यहाँ पे हमने दाल को फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। तो दाल हमारा रेडी हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे यहाँ पे, और लास्ट में जो धनिया पत्ता हमने बचा के रखा था वो धनिया पत्ता इसके ऊपर ऐसे छिड़क दें। मिला देंगे धनिया पत्ता को। तो अगर आपको सिर्फ दाल फ्राई बनाना है तो आप ये प्रोसेस यहीं तक फॉलो करें, लेकिन अगर आपको दाल तड़का बनाना है तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो सर्व करने के लिए मैं इसे एक सर्विंग बोल या सर्विंग डिश में निकाल लें। मैं इसके ऊपर तड़का लगाऊंगी ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। अगर आपको पैन में या कढ़ाई में डायरेक्ट तड़का लगाना है तो सेम प्रोसेस फॉलो करें। तो दाल को मैंने ऐसे इसमें निकाल लिया। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो गैस पे एक तड़का पैन रखें, गैस ऑन करें। पैन को हम गर्म हो जाने देंगे, उसके बाद हम इसमें घी डालेंगे। तो तड़के में घी का यूज़ करें, उससे स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा हम इसमें 1/4 छोटा चम्मच हींग डालेंगे। हींग को थोड़ा सा पक जाने दें। जैसे ही हींग थोड़ा सा पक जाएगा हम इसमें सूखे लाल मिर्च डाल देंगे। तो यहाँ पे 2 ये तड़के वाली लाल मिर्च यूज़ की है मैंने। इसके बाद हम इसमें कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। मैं यहाँ पे पूरा लहसुन इसलिए नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ ये जो बाल्टी में मैंने दाल निकाला है सिर्फ उसी में तड़का लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए जैसे ही लहसुन ब्राउन हो जाए, आप देख सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और लास्ट में हम इसमें 1/4 या 1/3 छोटा चम्मच लाल मिर्च डाल दें। इससे जो तड़के का कलर है वो एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल आएगा। ये देखिए तड़का हमारा रेडी हो गया है। तो अब हम इस तड़के को दाल के ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पे ये दाल के लिए मैंने ये स्पेशल बाल्टी खरीदी है, क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट स्टाइल डिश बना रहे हैं तो जो डिश है वो दिखने में भी रेस्टोरेंट जैसा होना चाहिए। तो इस तड़के को ऐसे दाल के ऊपर डाल दें और ये हमारा दाल तड़का एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल वाला तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। आप इस दाल तड़का को जीरा राइस या फिर रोटी या फिर प्लेन स्टीम राइस के साथ सर्व करें, ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आज की ये रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बाकी इन दोनों रेसिपी के लिए इन दोनों लिंक्स पे क्लिक करें।